प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में भी स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया गया है। 4 और 5 नवंबर को नोएडा के स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। तो नोएडा के डीएम ने 2 दिन स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने 5 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया, लेकिन अब एनसीआर में भी जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं उसके बाद नोएडा के डीएम ने भी यहां 2 दिन छुट्टी का ऐलान किया है। चूंकि अगर सुबह की बात करें, सुबह ज्यादा यहां पर ये स्मॉग रहता है, ये ज्यादा जहर रहती है, तो ऐसे में बच्चे जब स्कूल के लिए घरों से निकलते हैं तो उनको ज्यादा इफेक्ट कर सकती है और बच्चों की तबीयत न बिगड़े, इसको देखते हुए फिलहाल ये फैसला नोएडा के डीएम ने लिया है, जहां पर फिलहाल 2 दिन के लिए राहत बच्चों को दी गई है। 2 दिन स्कूल यानी कि 4 और 5 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि अगर आगे भी हालात सही नहीं हो पाते हैं, हालात ऐसे भी रहते हैं, तो हो सकता है कि आगे भी इन छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए। तो फिलहाल 2 दिन छुट्टी का ऐलान नोएडा के डीएम ने किया है, स्कूल बंद करने का आदेश दिया है प्रदूषण को देखते हुए। इससे पहले दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया, जिस तरह का स्मॉग सड़कों पर छाया हुआ है, इफेक्ट सीधे नन्हे मुन्ने बच्चों को वो कर रहा है और तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो रही है, परेशानी का सामना उन्हें ज्यादा करना पड़ा है। और इसी के चलते दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी, नोएडा के डीएम ने भी 2 दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया है।